ये कश्मीर तो जन्नत है। अच्छा। तो इस हमारे ऐसा ही मैसेज है सब लोगों के लिए कि कभू शर्ग सबको आना। तो लोग हैं यहाँ के, उनके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है? इनके जैसे लोग हमने देखे नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली है और खुश मिजाज आदमी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम हैं ट्यूलिप गार्डन में और यहाँ पे हम बहुत लोगों से, टूरिस्ट से राय जानने वाले हैं कि वो कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम चलते हैं और पूछते हैं लोगों से राय कश्मीर के बारे में। चलो चलो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना। माय नेम इज शेखर हाजरा। कहाँ से हो आप? वी आर फ्रॉम कोलकाता। अच्छा, कोलकाता से। तो यहाँ पहली बार? यस, फर्स्ट टाइम। तो कश्मीर को दो वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करो कि कश्मीर आके कैसा लगा आपको? वी आर बंगाली जस्ट बिकॉज ऑफ। अच्छा, सब थे के सुंदर। अच्छा, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। और ट्यूलिप गार्डन, इसके बारे में क्या कहोगे? अभी फर्स्ट टाइम आ रहा है तो अच्छा। मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, अभी ब्लूम थोड़ा कम है इसलिए आपको ज्यादा? एग्जैक्टली उतना नहीं। हाँ, क्योंकि ब्लूम अभी कम है। तो यहाँ पे कितनी जगह आप घूमे? यहाँ पे हम लोग गोलमार्ग, सोलमार्ग और क्या पहलगाम जा रहे हैं अभी। अच्छा, जा रहे हैं अभी। और जितनी जगह अभी तक आप गए, सबसे बेस्ट जगह आपको कौन सी लगी? सोनमर्ग सबसे बेस्ट। तो मेरी भी है। चलो, अभी एक और ग्रुप हमारे साथ है जो कि मुंबई से है। पहले इंट्रोडक्शन। माइसेल्फ मोहित, वी आर फ्रॉम मुंबई। माइसेल्फ दीपक, फ्रॉम मुंबई। माइसेल्फ तेजस्वी पाटिल। माइसेल्फ अर्चना तावड़ी। आई एम काजल अवसरमल। सेजल अवसरमल। उषा अवसरमल। मैं किरण अवसरमल। सौरभ तावड़े। तो ये पहला ट्रिप है कश्मीर? जी। तो कैसा लगा कश्मीर आके? बहुत अच्छा। ट्यूलिप गार्डन आके कैसा लगा? हमने इतने अच्छा गार्डन देखा है। सही में है, एशिया का जो सबसे बिगेस्ट गार्डन है। हाँ, बिल्कुल। जो बोला तो यहाँ कितनी जगह आप घूमे? कितनी जगह घूमे कश्मीर? अच्छा, ये पहला ही दिन है। तो चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। पहला स्टे है यहाँ पे, पहली बार आए हो तो यहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत स्वीट है, बहुत मिलनसार है और सारे बहुत सुंदर है यहाँ पे। और लोगों के लिए क्या मैसेज है चैनल को? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। जबरदस्त दिख रहे हो आप। अभी हमारे साथ जो है ये चंडीगढ़ से कपल है। चंडीगढ़ से, सही? तो पहले इंट्रोडक्शन आप बताइए, नाम अपना? संदीप भल्ला। और आपका मैम? मैं सिमरन भल्ला। तो इससे पहले आप कश्मीर आए हुए हो? हम तो साल में दो बार आते ही हैं। अच्छा, तो ट्यूलिप गार्डन? ट्यूलिप गार्डन में 10-15 साल पहले आया था एक बार। अच्छा, उसके बाद अब देख रहे हैं फैमिली के साथ। ठीक, तो कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया। श्रीनगर तो हमें इतना पसंद है, हम तो वैसे ही बताया एक साल में दो बार आते ही आते हैं। अच्छा, तो कश्मीर में तो आप बहुत सारी जगहें घूमते होंगे। सही, सीधी सी, सबसे बेस्ट जगह आपको कौन सी लगती है? हर जगह ही बेस्ट लगती है वैसे। अच्छा, तो हर जगह एक जगह डल लेक तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक, उसके सामने रहना बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, अगर आगे आपको जो लोगों को मैसेज देना होगा आगे, तो क्या मैसेज होगा आपका बाहर लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते लेकिन आते नहीं? नहीं, सबको आना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। यहाँ तो हमारा भाई भी बना हुआ है एक, जो हमें घुमाता है हर जगह, हमारे लिए हर टाइम खड़ा रहता है हर जगह। यही तो, यही खासियत है यहाँ की, यहाँ के लोग जो है बहुत जो है हेल्पफुल है, हमेशा मदद करने वाले, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया है। सबको कश्मीर जरूर आना चाहिए। चलो, ये तो सही बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। कैसा लगा यहाँ आगे? लगा जैसे जन्नत, अगर देखना हो तो कश्मीर आओ। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ? हमें आज 6 दिन हो गया। 6 दिन? 3 दिन हम पहलगाम रहे, 3 दिन आज श्रीनगर हो गया हमें। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत जन्नत लग रहा है, जन्नत। जन्नत में पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। आदमी अगर एक बार आए तो बहुत मजा आएगा उसको, देखना जरूरी है कश्मीर उसको। ठीक है, यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है, ईमानदार आदमी है, मतलब उसके बाद में फ्रॉड नाम का कोई चीज नहीं है, बहुत साफ सुथरा जिंदगी उनका, मेहनत करके खाता है। वाइफ भी है हमारे साथ, ईमानदार देश ही है। जी मैम, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर देश है। अच्छा, ये जो बादामवाड़ी आप आए आज इस टाइम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। जी सर, आप भी बताइए। सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा,
मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने सुना ही सुना था कश्मीर का नाम, और आज जब बादाम वाड़ी देखी तो मुझे लगा कि पैसा तो आदमी के पास बहुत होता है मगर नसीब में किसी को ही होता है ये चीज़ देखने के लिए। और यहाँ के लोग बागों का भी सब बहुत अच्छा लगा, ईमानदारी से काम होता है, चाहे हॉर्स वाला हो, चाहे बर्फ राइडिंग वाला हो, चाहे गार्डन में जाओ, बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल खुश हो गया हमारा यहाँ आया। चलो मैम आप बताइए। बहुत ही अच्छा लगा हमें कश्मीर में आके, और जो डर था वो डर जरा भी यहाँ कोई तरह का डर नहीं है, और आए सब एंजॉय करे, और लाइफ में एक बार कश्मीर आना जरूरी है। कश्मीर के साथ साथ है ना यहाँ के लोग भी खूबसूरत खूबसूरत है यहाँ के लोग। और एक सेकेंड, हमने एक 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 और बनाना है, ये बादाम बाग है, ये ठीक। आप मुझे बताओ आप कितनी जगह यहाँ घूमे कश्मीर में? कश्मीर में हम सोनमार्ग, गुलमार्ग, ये पहलगाम, सब कुछ जगह घूम लिया। तो सबसे बेस्ट आपको कौन सी जगह लगी? सबसे बेस्ट लगी है बिस्नार वैली, पहलगाम। सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी आपको? सबसे पहलगाम। जी मैम आपका नाम? मामूनी घोष। आपको कौन सी लगी सबसे बेस्ट जगह? पहलगाम। पहलगाम, यहाँ सारे वोट्स पहलगाम में मिल रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है अत्रो घोष। अच्छा, तो आप पहली बार आए यहाँ? यस। तो कौन सी जगह आप घूमे अभी? अभी ट्यूलिप गार्डन। बस कैसा लगा? फ्रेंड्स को बोलोगे यहाँ आने के लिए? हाँ। अपने फ्रेंड्स को? हाँ। बोलोगे? किसी बोलो तो गाइस आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल। बिल्कुल, ये बंदा जो है सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट ये, ठीक है। आपका नाम? अमित दादा। पहली बार आए यहाँ? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, खूबसूरत है। तो वहाँ जाके दोबारा आओगे यहाँ? कब? एक साल बाद। एक साल बाद, अच्छा ठीक। ऋषि घोष। पहली बार आए यहाँ, मजा आया? तो दोबारा आओगे यहाँ? अच्छा कब? ट्यूलिप गार्डन आओगे? यहाँ मजा आया, फूल देखे, फोटोज लिए? चलो। मेरा नाम धवल है, मैं बॉम्बे से हूँ। जी मैम आप? मेरा नाम उर्वी है, मैं भी मुंबई से हूँ। जी मैम। मेरा नाम नैशी है, मैं भी मुंबई से हूँ। मितेन शाह फ्रॉम बॉम्बे। तियाना शाह फ्रॉम बॉम्बे। लारनिया रेडिया फ्रॉम बॉम्बे। दबीर फ्रॉम बॉम्बे। तो यहाँ पहली बार आए आप? नहीं, मैं आया हुआ हूँ, मैं जब ये मेरा बच्चा है उसकी एज का था तब आया था, ये मेरा दूसरा विजिट है। तो आपका दूसरा, आप सबका हमारा पहला विजिट, आप सबका पहला विजिट। तो आप कितनी जगह घूमे यहाँ कश्मीर में? ये अभी हमारा पहला स्टॉप है, ये हमारा पहला स्टॉप है श्रीनगर। मैं बोल रहा हूँ आप इससे पहले घूमे हो ना यहाँ? तब मैं इसके जितना था मुझे याद भी नहीं है, बट मुझे इतना याद था कि ये ट्यूलिप स्टार में, ये ट्यूलिप गार्डन में मैं आ चुका था। अच्छा ठीक। तो कहाँ घूमने का इरादा है, जो आप मेन फोकस जो अभी हम सोनमर्ग और पहलगाम जाने की इच्छा, गुलमर्ग, गुलमर्ग की स्नोफॉल देखने की बहुत तमन्ना है। तो अभी तक के सफर में जो लोग हैं यहाँ के, उनके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है? इनके जैसे लोग हमने देखे नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली है और खुश मिजाज आदमी है। कोई परेशानी यहाँ नहीं? कुछ भी परेशानी नहीं है अभी तक, कोई परेशानी नहीं। खाना वाना एकदम बहुत जो चाहिए वो बना के देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी नाइस फूड, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ से जाके आप अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? कश्मीर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मस्ट विजिट कश्मीर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ इंडिया। अभी जो लास्ट क्लिप आपने देखी वो दूसरे दिन हमने शूट की, क्योंकि एक ही दिन में सारे रिव्यूज लेना मुश्किल होता है। तो अगर हम बात करें ब्लूम की, जो भी अगर टूरिस्ट आप में से सिर्फ ट्यूलिप गार्डन के लिए यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे लाल भाई? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है 4 दिन या 5 दिन के बाद आपको परफेक्ट ब्लूम यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप में से कोई भी यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन आना चाहता है तो अभी आप वेट करें 2-4 दिन, उसके बाद आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। राजीव साधु का, पहली बार आए आप यहाँ? हाँ, पहले बार ही आया है। तो कैसा लगा? बहुत सुंदर, पूरा शहर जैसा है। अच्छा। और ये ट्यूलिप गार्डन तो फर्स्ट टाइम विजिट किया। अच्छा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी मैम आपका नाम? शौर्णाली शेन। पहली बार आप भी आए? हाँ हाँ। तो कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा। तो यहाँ के लोग? यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो चीज है ना वो तो मैंने क्या बोलूँ अब। जी मैम आपका नाम? तोनिमा साधु का। तो आप पहली बार आए? हाँ हाँ, हम भी पहली बार ही आए हैं। तो कहाँ कहाँ घूमे आप? सिर्फ अभी ट्यूलिप गार्डन? हाँ हाँ, अभी तो यहीं पे। तो यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है, वो एकदम कश्मीर तो स्वर्ग जैसा बोलते हैं ना, एकदम सही बात है। तो
तो यहाँ से जाके लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? हाँ, सारे लोग तो कश्मीर को आना तो चाहिए ही एकदम। ठीक जी मैम, आपका नाम? पियाली बैनर्जी फ्रॉम कोलकाता। जी आप बताइए, आप पहली बार आप भी आए? हाँ, हम पहली बार ही इधर आए हैं। अच्छा। और कल को हमने एक जो शिकारा है उधर था हम लोग, और आज पहली बार शंकराचार्य जो टेंपल है उधर गए थे, उसके बाद हम ट्यूलिप गार्डन आए हैं। कश्मीर के बारे में आप? ये कश्मीर तो जन्नत है। अच्छा। तो इस हमारे ऐसा ही मैसेज है सब लोगों के लिए कि भूस्वर्ग सबको आना चाहिए, और इधर के जो पीपल लोग हैं सब बहुत बढ़िया है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को आगे जो घर जाओगे आप, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? सबके लिए यही मैसेज है कि स्वर्ग आ जाइए, जन्नत है, ये मिस मत कीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। अभी टाइम आ गया इस मजेदार वीडियो को एंड करने का। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फेसबुक पेज से देख रहे हो वहां भी फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।